मिली बड़ी सफलता, लुटेरी दुल्हन व उसके साथियों को किया गिरफ्तार। बड़नगर इंगोरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इंगोरिया पुलिस द्वारा फरियादी रमेश निवासी नागावाड़ी द्वारा शिकायत की गई थी कि माया भाई निवासी मंगल कॉलोनी उज्जैन पाठ नंबर नाका ने अपने पति जगदीश जो की जीजा बनकर सामने आया था और उसके साथियों जितेंद्र गिरी निवासी धुलेट महितपुर, कमल निवासी धुलेट महितपुर, संजू सौदान राजपूत निवासी परोलिया झाली हाल मुकाम देवास के साथ षड्यंत्र रच कर फरियादी रमेश के साथ धोखाधड़ी कर शादी के नाम पर 70,000 रुपये का सौदा कर 60,000 रुपये लिए माला डालकर शादी कराई। साथ ही 16 अगस्त 2020 को सुबह दुल्हन माया भाई सोच के बहाने घर से भाग गई। फरियादी पक्ष द्वारा रुपए देते समय का वीडियो रिकॉर्डिंग तथा वरमाला के फोटो पेश किए गए। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 420 120 बी के अंतर्गत कायमी कर लुटेरी दुल्हन माया भाई व उसके पति पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है और साथ ही आरोपियों में से 70,000 में से 32,500 रुपये जब्त किए गए। एक आरोपी जितेंद्र गिरी निवासी धुलेट फरार है जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। ये क्या है पूरा मामला? ये हमारे क्षेत्र में गांव नागावाड़ी पड़ता है। इसके रमेश गिरी ने एक शिकायत की थी कि उसकी 13 तारीख को शादी एक जगदीश नाम के व्यक्ति ने और जितेंद्र जगदीश कमल और संजू उर्फ सौदान सिंह ने कराई थी, मिलकर कराई थी मायाबाई निवासी मंगल कॉलोनी उज्जैन पाँच नंबर नाका के साथ। 70,000 रुपये तय हुए थे, उसमें 60,000 रुपये इनके द्वारा दिए गए थे और 10,000 रुपये स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करने के बाद देना था। 13 तारीख को उनकी माला डाल के फेरा करने के बाद शादी हुई थी। 14-15 को ये रही। 16 तारीख के सुबह ये माया भाई शोच के बहाने से गायब हो गई। उसके बाद इन लोगों से इन्होंने जब चर्चा किया तो इनको ये मालूम पड़ा कि ये तो इसी प्रकार का धंधा करती है माया भाई और जगदीश जब शादी के रूप में मिला था, जब शादी के करने के लिए, तब ये जीजा के बहाने मिला था। जगदीश का वास्तव में सेकंड पति है, इसकी पूर्व में माया भाई की शादी हो चुकी है। इस प्रकार अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। 420 120 बी धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आज आरोपी जगदीश मायाबाई को उज्जैन मंगल कॉलोनी से एक संजू जो है सुधान सिंह आरोपी के साथ पकड़ा गया तथा कमल सिंह राजपूत जो धुलेट का निवासी है इसको भी पकड़ा गया गांव धुलेट से। एक आरोपी जितेंद्र गिरी जो धुलेट का निवासी है जो भी इस षड्यंत्र में शामिल था वो अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। आज इनको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है।